जो काम करने वाले हैं इस ऑफिस में वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई शीटिंगबाजी नहीं होगा। और ये ऑफिस वाला अगर एक बार बोल दिया कि आपका वीज़ा लगेगा तो 100% लगेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कदो सत्तावलम, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस, मैं इस वक्त दोहा कतर में हूँ और अभी दोपहर का टाइम है, धूप भी काफ़ी हो रहा है और रमज़ान का टाइम आने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा हमको। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मुंबई में कौन सा ऑफिस है जिससे आप वीज़ा लगा करके दोहा कतर में आ सकते हैं, और सिलाई करते हैं तो भी, नहीं सिलाई करते हैं तो भी, कोई भी काम के लिए आप इस दो ऑफिस से आप वीज़ा लगा सकते हैं। तो अगर हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैं बताया था कि दो ऑफिस का नाम, जो HRK ट्रैवल्स था और एशिया पावर इंटरनेशनल ट्रैवल्स था, तो ये दोनों ऑफिस में बताया था। लेकिन वो दोनों ऑफिस मुंबई में भी है। अगर आप चाहते हैं कि दोहा कतर का वीज़ा मिल जाए सिलाई का, तो आप ये दोनों ऑफिस में पता कर सकते हैं। और इस ऑफिस में जो भी काम होता है जेन्युइन होता है, कोई धोखेबाजी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑफिस में एजेंट देखने को नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको वीज़ा लगाने के लिए जाना पड़ेगा और आपका काम होगा, आप जो भी बात करते हैं डायरेक्ट बात कर पाएंगे। और उसमें जो काम करने वाले हैं इस ऑफिस में वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई शीटिंगबाजी नहीं होगा। और ये ऑफिस वाला अगर एक बार बोल दिया कि आपका वीज़ा लगेगा तो 100% लगेगा, और 20 दिन में फ़्लाइट बोल दिया कि 20 दिन में मैं फ़्लाइट करा दूंगा, तो 20 दिन में फ़्लाइट करा देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर इसका नाम है HRK इंटरनेशनल ट्रैवल। ये कतर, दुबई, सऊदी, कहीं भी जाना हो किसी काम का तो आपको यहाँ पर वीज़ा अवेलेबल मिल जाएगा। और इस पर आप कॉल करके, मुंबई में रहते हैं तो जा करके पता करिए, और मुंबई से बाहर रहते हैं तो कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लाइन का वीज़ा इस ऑफिस में अवेलेबल है कि नहीं है, वैकेंसी आया है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जा करके वहाँ पर इंटरव्यू पहले देंगे, उसके बाद जब इंटरव्यू क्लियर करेंगे उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। और इसका खर्चा 45 से 50 हज़ार का खर्चा आता है, और इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है, आप बिंदास ट्रस्ट कर सकते हैं। और दूसरे ऑफिस का नाम मैं बता देता हूँ। दूसरे ऑफिस का नाम है, मुंबई में ही है, एशिया पावर इंटरनेशनल ट्रैवल्स। ये ऑफिस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर मुंबई से बाहर हैं तो। अगर मुंबई में रहते हैं तो आप जा करके पता कर सकते हैं, जा करके पता करना बेहतर होगा अगर मुंबई में रहते हैं तो, इसलिए कि आप जा करके पता करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको जानकारी मिलेगा कैसा ऑफिस है, किस तरह से यहाँ पर लोग हैं, किसका काम होता है, काफ़ी लोग वहाँ पर आए रहते हैं अपना वीज़ा लगाने के लिए, तो एक अनुभव हो जाएगा आपको कि हाँ ये ऑफिस कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है। और हमारे हिसाब से तो ये परफेक्ट ऑफिस है, कोई धोखेबाजी नहीं होगा इसमें, इसलिए मैं आप लोग को बताया। आप लोग जा कर के, और मुंबई में रहते हैं तो पता करिए, अगर मुंबई से बाहर रहते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पहले फ़ोन करके पता कर लीजिए अगर सिलाई का वैकेंसी है कतर का या सऊदी का या दुबई का या जॉर्डन का, कहीं का, हर कंट्री का ये भाई वीज़ा लगाता है। अगर फ़ोन करने के बाद आपको पता चलता है कि वीज़ा अवेलेबल है तो आप बिंदास जा कर के वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो मैं पिछला वीडियो डाला था यही दो ऑफिस का नाम बताया था, जो कि दिल्ली में है, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो लोग उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है, फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और जो लोग मुंबई में रहते हैं तो ये नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना है इस ऑफिस के बारे में तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोहा कतर के बारे में कुछ भी पूछना है या किसी कंपनी के बारे में पूछना है, और मैं सिलाई करता हूँ तो सिलाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप बिंदास हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, मुझे भी काम करना रहता है, मुझे भी काम पर आना जाना रहता है, तो कभी टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जवाब मैं देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी दिया हूँ, तो आज के वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।